नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार में बोधशाला में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे का 16वां दिन था। आपको बता दें कि भारतीय पुरातत्व विभाग की सर्वेक्षण टीम ने सुबह 8 बजे बोधशाला में प्रवेश किया। वही टीम में संख्या 25 के लगभग थी। वही 31 मजदूर भी बोधशाला में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम के पहले प्रवेश कर गए। आधुनिक उपकरणों के साथ टीम ने प्रवेश किया। पुलिस की व्यवस्था और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम रहे। आज बोधशाला में हिंदू याचिकाकर्ता आशीष गोयल और बोधशाला मुक्ति यज्ञ से जुड़े गोपाल शर्मा, मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद भी बोधशाला में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम के साथ सर्वे के दौरान मौजूद रहे। धार की बोधशाला में आज 16वें दिन सर्वे का काम जारी रहा। सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक पुरातत्व विभाग की टीम ने काम किया। आपको बता दें कि लगभग टीम ने 9 घंटे काम किया। सर्वे टीम के द्वारा 4 टीम बनाकर बोधशाला के परिसर के अंदर, बोधशाला परिसर के बाहर सर्वे के कार्य को जारी रखा गया। बोधशाला मुक्ति यज्ञ संगठन से जुड़े गोपाल शर्मा ने बताया कि लगभग 3000 तगारी मिट्टी हटाई गई है, जो कि बोधशाला परिसर के अंदर वो बोधशाला परिसर के बाहर से हटाई गई है। खंभों के मेजरमेंट एक टीम के द्वारा लिए गए हैं। अलग अलग टीम अलग अलग स्थानों पर बोधशाला परिसर में वो परिसर के बाहर 50 मीटर की परिधि में अपना वैज्ञानिक तरीके से काम कर रही है। देखिए खबर है एसकेपी लाइव न्यूज पर। अरे श्रीवास्तव जी, अरे यार श्रीवास्तव जी, आपको बोला उसके बावजूद भी यार। अरे आवाज आती है इसमें। नया तो नहीं है, पर वंदना है। कोई भी नहीं, नया कोई भी नहीं। कितने लोग आए? गिनती करी होगी यार। दिन सर्वे का काम चला, कितने घंटे चला और क्या क्या निकला? आज हाईकोर्ट के आदेश के बाद 16वें दिन का आज कार्य सुबह 8 बजे प्रारंभ हुआ था। जो भी ज्येष्ठ हम लोग बाहर आए हैं, गर्भगृह में भी काम चला, बाहर 50 मीटर गहरे में सबदूर काम चला। वो काम कहीं नहीं बंद हुआ। सर्वे के जो हाईकोर्ट के आदेश, जो हाईकोर्ट से आदेश हुए थे, उसके नियमों तक सभी तक काम चल रहा है। उन सारे उपकरणों का उपयोग हो रहा है जो हाईकोर्ट ने आदेश दिए। आज लगभग 3,500 तगारी मिट्टी हटाई गई।
कल तक जो सीढ़ियाँ जो है तीन सीढ़ियाँ दिखाई देती, एक वॉल दिखाई देती, एक बीम, तो वो काम कितना प्रगति पे और कुछ नया भी उन लोगों ने एक्सप्रेशन किया है क्या वहाँ? उन्होंने कोई ऑब्जर्वेशन किया होगा, उस जगह को उन्होंने रोका है, अब अगली जगह काम चल रहा है, क्योंकि हो सकता है उसमें कोई मशीन की आवश्यकता होगी तो जब मशीन आएगी तो उसका आगे काम होगा। क्या भैया और कोई नई चीज़ कोई निकल जाएगी? नहीं, सर्वे चल रहा है और काम चल रहा है, काम गति पे, निश्चित ही समय अवधि के अंदर उसको पूर्ण करेंगे। आज जो है गौशाला परिसर के अंदर भी कोई कार्य किया गया है जी, और आपने देखा होगा मंगलवार के जो 6 स्थानों पर टेस्टिंग किए थे, आज उसमें से एक कालम में काम चला, कम से कम 500 तगार ही मिट्टी वहाँ से हटाएंगे। और पीछे की साइड में कल आज कितना कुछ काम हुआ है और कितनी टीमें बना के काम अलग अलग जगह किया है? इनकी कल 5-7 टीमें बनी हुई है, कोई अब से भी अपना अपना काम कर रहे हैं और जो सर्वे का जो अवधि है उसी में वो काम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मुख्य अधिकारी भी पहुँचे थे और आज सारे जी सारे अधिकारी आज पहुँच चुके हैं और दो तीन दिनों से हम कह सकते थे काम में जो डिले थी आज वो गति हुई है उसमें। मोबाइल दे दो, मोबाइल दे दो, मोबाइल दे दो।